आवाज पूरे देश की आवाज बन चुकी है, और यही कारण है जब यहां पर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी अपनी बात कह रहे थे और कह रहे थे कि दलों को प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, तो यह स्थिति केवल आगरा की नहीं है, यह कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश की है और पूरे देश की है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है और हमारी पीढ़ी इस मामले में सौभाग्यशाली है कि हम न केवल बदलते हुए भारत को देख रहे हैं बल्कि विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए भी देख रहे हैं। आपने देश और प्रदेश के परसेप्शन को बदलते हुए देखा है। यही भारत था, दुनिया में सम्मान नहीं था, और आज हर भारतवासी दुनिया के अंदर कहीं भी जाएगा गर्व के साथ सीना तान करके वो बोलता है मैं भारत का निवासी हूं, तो सामने से जवाब आता है मोदी का भारत, मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतीयों का दुनिया के अंदर गौरव बढ़ा है। और नहीं देखना है अन्य जगह छोड़िए, विश्व योग दिवस के अवसर पर आप देखते होंगे जब दुनिया के 190 से अधिक देश योग के आयोजन के साथ जुड़ते हैं, या कुंभ जैसे बड़े आयोजन जब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में आते हैं, और भारत के परंपरा के प्रति जब कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए दुनिया उमड़ती है, तो यह दुनिया के अंदर भारत के बारे में बदली हुई धारणा को व्यक्त होता है। उसके एक उदाहरण है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आज भारत के अंदर घुसपैठ नहीं हो सकती, दुश्मन जब मर्जी तब भारत की सीमा में नहीं घुस सकता, उसे मालूम है भारत की सीमा का अतिक्रमण का मतलब उसकी जो जोरदार प्रतिक्रिया होगी वह कई पीढ़ियों को, देश को, दुश्मन को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इसलिए कोई अतिक्रमण नहीं करता। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एयर कनेक्टिविटी, देश के अंदर किस प्रकार के वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस स्थापित हो रहे हैं, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एम्स, इनकी एक श्रृंखला वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज स्थापित हो रही है, ये दिखाती है ये नए भारत में हम दुनिया की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न केवल 140 करोड़ भारतीयों के लिए बल्कि दुनिया की आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम भारत को बनाएंगे, और भारत उसको लीड करेगा, भारत उसको नेतृत्व देगा, इस भाव के साथ आज भारत के अंदर कार्य हो रहा है। गांव की कनेक्टिविटी बढ़ी है, कोई सोचता था हर घर नल की योजना साकार हो पाएगी, कोई सोचता था गरीब के घर में शौचालय बन पाएगा, कोई सोचता था गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन मिल पाएंगे, कोई सोचता था कि आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है ये स्मार्टफोन आपकी जिंदगी को और पूरी दुनिया को आपकी जेब में रख करके आपके कार्य को और सरल और आसान कर देगा। आज सारा का सारा कार्य अपने स्मार्टफोन से आप कर पा रहे हैं, ये नए भारत की तस्वीर है, और इस नए भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है। बहनों और भाइयों, अगर भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है, तो गत 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो ऊंचाइयां हासिल की है वो आप सबके सामने है। आज जब सुरक्षा की बात आती तो लोग उत्तर प्रदेश को याद करते हैं, आज जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है उत्तर प्रदेश सामने आता है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी धरातल उतारने की बात होती है उत्तर प्रदेश सामने याद आता है, और जब देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी के लिए
बुनियादी सुविधाओं को आपूर्तिकर्ता के रूप में गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, समाज के प्रत्येक तबके तक बिना भेदभाव के इन योजनाओं को पहुंचाने की बात होती है, तब उत्तर प्रदेश एक लीड रोल में देश के अंदर दिखाई देता है। उन स्थितियों में लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव बहुत स्पष्ट है, दो ध्रुवों में पहले से विभाजित हो चुका है, एक जिनके लिए परिवार प्रथम है, फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट, तुष्टिकरण बनाम राष्ट्रवाद की भावना, जो भावनाएं भारत की आस्था को सम्मान भी देती है, भारत के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान भी करती है, परिवारवाद बनाम सबका साथ सबके विकास के बीच में है, भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस के बीच में है। ये चुनाव बहुत स्पष्ट रूप से हम सबको भारत को नए भारत और विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के उन सपनों को साकार करने को लेके जाता है जो प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में हम सब भारतवासियों को दिया, भारतवासियों के सामने जो संकल्पना रखी और इस संकल्पना का आधार है मोदी की गारंटी। मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में जो करके दिखाया वह भी जनता के सामने है। क्या कोई सोचता था कि आगरा में मेट्रो चलेगी? देश और दुनिया के अंदर जितनी भी मेट्रो बनी है उनमें सबसे पहले कार्य करने वाले सबसे स्पीड के साथ कहीं कार्य हुआ है तो आगरा में हुआ है। अपने समय से 9 महीने पहले आगरा मेट्रो का संचालन भी हो गया है। आगरा में एयरपोर्ट का निर्माण हो ये कोई सोचता था? लोग मानते थे, लोग थक हार चुके थे कि आगरा में एयर कनेक्टिविटी इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ताज के नाते इन सबको रोका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला लड़ा गया और आज एयर कनेक्टिविटी यहां की प्रारंभ करवाई गई, नए सिविल टर्मिनल का निर्माण यहां पे हो रहा है, यहां पे गंगा जल की आपूर्ति हो पाएगी। एक सपना था, आज वह साकार हुआ है। ऐसे ही स्मार्ट सिटी के रूप में आगरा भी स्वच्छता की रैंकिंग में अपना स्थान बनाएगा, यह भी साकार हुआ है। बहनों और भाइयों, आगरा अपनी नई पहचान के साथ जहां आगे बढ़ रहा है वही कई प्रतिमान स्थापित किए हैं प्रदेश ने देश के अंदर और देश ने दुनिया के अंदर। कोई सोचता था इससे पहले कि 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होगा और अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी होगा? ये सपना था लेकिन साकार हुआ है। ये जो कभी सपना हुआ करता था आज वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही नया भारत है जो केवल संकल्पना ही नहीं देता है, संकल्प ही नहीं करवाता है, बल्कि उस संकल्प को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है। लोग आज पूछते हैं कभी कभी कि आप जो आप कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं इसकी 100% होने की गारंटी क्या है? मैं उनसे यही कहता हूं, क्या कोई सोचता था? कोरोना कालखंड में दुनिया ने तो अपने हाथ पैर छोड़ दिए थे, दुनिया ये मान के चल चुकी थी कि अब लगता है कि जीव सृष्टि का अंत का समय आ गया है, कोरोना जैसी महामारी सबको निगल लेगी। लेकिन उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी जी डट करके सामने खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं, हम इस महामारी को हरा करके रहेंगे। और आपने देखा होगा दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जीने वाले भारतीय समाज को किस रूप में बचाने का काम हुआ। आज भी कोरोना समाप्त हो गया लेकिन भारत के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन का सौगात मिल रही है, ये भी सपना साकार हुआ है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर चुके होते हैं, ये भी नए भारत में होता है। 60 करोड़ लोग फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे हैं, यह भी संभव हुआ है। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है, यह भी साकार हुआ है। 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए छत मिली है, यह भी हमने सपना साकार होते हुए देखा है। 10 करोड़ गरीबों के घर में
रसोई गैस का सिलेंडर चलता हुआ हमने देखा है, यह अभी सपना साकार हुआ है। और 2.5 करोड़ घरों में फिर से बिजली की का उजियारा पहली बार देखने को मिला है, उन्हें फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं, यह भी हमने साकार होते हुए देखा है। बहनों और भाइयों, यही मोदी की गारंटी है, सुरक्षा भी और समृद्धि भी, आजीविका भी, आस्था भी। जहां उपद्रव नहीं, जहां उत्सव का माहौल हो, वही मोदी की गारंटी है। और भारत उत्सव के इस माहौल के साथ पूरे देश को सरोकार कर सके, इसके लिए हम लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, 80 करोड़ की आबादी, 80 लोकसभा सीट इस 25 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 80 मनकों की माला जब हम लोग मोदी जी को देश की ओर से, तो बहनों और भाइयों में उसने आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आगरा लोकसभा सीट से जीतना तो तय है, लेकिन जीत ऐसी हो जो ऐतिहासिक हो। यहां पे चुनावी सभा की शुरुआत हमने प्रबुद्ध जनों से इसलिए की है क्योंकि आप समाज का नेतृत्व वर्ग है, अलग 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 क्षेत्र में, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में, कोई अधिवक्ता के क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई समाज जीवन के, कोई अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग क्षेत्र में प्रतिनिधित्व तो करते हैं, उसको लीड करते हैं, उनका अपना एक दायरा होता है। समाज के नेतृत्व तो वर्ग से अपील करने के लिए इसीलिए हम लोग आए हैं कि समाज का नेतृत्व तो वर्ग राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना जानता है। वह एक बार फिर से नेतृत्व के अपने इसी गुण को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दे और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल, निषाद राज पार्टी, अपना दल, सोहेलदेव राजभर पार्टी, इन सभी के साथ मिलकर के एक बेहतरीन वातावरण बनाने के लिए, देश को विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए हम लोग कार्य कर सकें, इस दृष्टि से आज पूरे देश के अंदर यह कार्य जिस प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है उसी के लिए हम लोग आए हैं। मित्रों, विकसित भारत का मतलब हम सब जानते हैं, विकसित भारत का मतलब तब साकार होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब आगरा विकसित होगा, और आगरा को विकसित करने के लिए यहां पे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को जीतना उतना ही आवश्यक है जितना उत्तर प्रदेश के विकसित होने के लिए आवश्यक है। एक और हमें यह कार्य करना है, और यह जीत मोदी जी की जीत होगी, मोदी जी की जीत इस आधार पर होगी क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में हमें विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना है। विकसित भारत की संकल्पना के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर, जब हम सभी लोग आज यहां पर इस प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में यहां उपस्थित हुए हैं, आप सबसे मैं अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश कि 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी बन सके, इसके लिए प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आगरा से विजयी बनकर के जाए, आपका आशीर्वाद मिले। यद्यपि बघेल जी अपने संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा समय देने वाले सांसदों में से हैं, संसद चले तब भी वे दिन में संसद में रहते हैं, दोपहर के बाद अपने लोकसभा सीट में आ जाते हैं। ट्रेन की कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आराम से वे यहाँ आ जाते हैं। मैं आज से नहीं, उनको पिछले, हम दोनों लोग सांसद साथ साथ बने थे और मैं तब से जानता हूं, वे संसद में रहते थे, जैसे ही कोई गाड़ी यहाँ की, कोई ट्रेन यहाँ की निकली, तुरंत वे जाकर के उसमें बैठ करके यहाँ आ जाते थे और फिर आकर के अपने संसदीय क्षेत्र में भ्रमण करके फिर अगले दिन सुबह संसद के सत्र में भाग लेते थे और शेष दिनों में तो यहाँ रहते ही हैं।
केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने सर्वाधिक समय अपने संसदीय क्षेत्र को